प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ पूरा देखिए, ठीक है, समझ में आता। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हाय, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए एक वीडियो ले लेके आया हूँ हैदराबाद से दिल्ली, दिल्ली से अजमेर और अजमेर से फिर रिटर्न हैदराबाद को, ठीक है। लो बजट में मैं ट्रैवल करके आया, 2610 रुपये में ओनली। तो देखिए, वॉच करिए, टोटल बताते रहता हूँ। अब हैदराबाद से अपन को दिल्ली को जाना है, कैसा कैसा जाना है बता रहा हूँ, ठीक है। देख लीजिए, ट्रेन टाइमिंग है, देखिए स्टार्ट हो गए सुबह 6 बजे है, तेलंगाना एक्सप्रेस 127-23 है ट्रेन नंबर, और न्यू दिल्ली को पहुँचती है सुबह 8 बजे नेक्स्ट मॉर्निंग। तो मे बी 25 घंटे या 26 घंटे तक पहुँच जाती है। डेली की है, स्लीपर कॉस्ट आके 635 रुपये है और 3 टायर का कॉस्ट आके 1635 रुपये है, ठीक है। 26 घंटे में अपन पहुंच जाते हैं, इसका कॉस्ट आके 635 समझो अप्रॉक्स, ज़्यादा नहीं 635, वो हिसाब से प्लान कर लो। और एक है, और एक दक्षिण एक्सप्रेस बोल के है, उसका ट्रेन नेम आ गया दक्षिण एक्सप्रेस है, 127-21 है, हज़रत निज़ामुद्दीन में स्टेशन में उतरती है और 3 सुबह फजर के 3:40 यानी कि 4 बजे अप्रॉक्स 4 बजे पहुँच जा देती है आपको निज़ामुद्दीन स्टेशन पर। और स्लीपर कॉस्ट आके 700 रुपये है और 3 टायर आके 1840 है। डेली है ये भी, ये 28 घंटे होते हैं इसको, ठीक है। रात में 11 बजे की ट्रेन है ये, ओके, ये भी देखो। अभी जो 2 ट्रेनों के बारे में होता है वो तो नामपली से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, नामपली से आपको मिल जाते हैं। और ये जो है, ये अभी वो बता रहा हूँ ना टाइमिंग आके, ट्रेन टाइमिंग है सिकंदराबाद से है, स्टार्ट हो गया सुबह 7:15 यानी कि 7:15 को है मॉर्निंग, राजधानी एक्सप्रेस है और ट्रेन नंबर आ गया 122-691 है और ये पहुँचती है हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन पे और सुबह 5:30 को मॉर्निंग के, ठीक है। टोटल आवर्स होते 22 घंटे होता 15 मिनट। डेली है ये भी, मगर 3 टायर है, ओके, ये आके 3 टायर है, इसका कॉस्ट आके 3140 रुपये है और 2 टायर का कॉस्ट आके 4015 रुपये है, ठीक है। ये डेली है और जिसको जल्दी जाना है, 22 घंटे के अंदर वहाँ पे रहना है, 22 घंटे ऐसा है, तो ये सेलेक्ट कर ले सकते हैं, ये ट्रेन बेटर है, फास्ट है। हेलो, क्या बोला? ऐसे क्या बोला? एस फॉर मैं S7 के नहीं, बाहर नहीं कर रहे और के साथ कहाँ अंदर बैठे तुम लोग? अरे मैं भी ला रहा हूँ, नको खाओ। हाँ, ये ट्रेन के अंदर है, देखो खाने का है, ऑर्डर अपन देते ना ट्रेन के अंदर, खाना कैसा बनाते क्या बनाते, अडॉल्ट रहता ना स्लीपर क्लास में, ये सब रहता, देखिए ऐसा इलेक्ट्रिक से बनता, पहले पुराने ज़माने में अपन के नहीं था, नहीं लाइट का चूल्हा खोल के, वो चूल्हा अभी भी चल रहा है ट्रेन में, तो उसे ऑर्डर दे सकते अपन, उन लोग ला के देते हैं, मगर डिपेंड करो, खर्चा कम होना बोले तो घर से रोटियाँ वोटियाँ बन लो, मन लेके ले लेके गए तो बेटर रहता, पैसे भी बच जाते। और ट्रेन से बाहर उतर गए ना, दिल्ली में पहुँचे बाद भिखारे आगे जैसा जो भाई भाई भैया 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 बोलते मंगने आते नहीं, वैसा आ जाते लोग, कैसे ऑटो होना क्या, लॉट्स को ले लेके जाना गया, या नैयर में होटल है वहाँ है, ऐसे बातें करते रहते, अपन को बकरा बना दे। तो जितना हो सका लोकल का वहाँ का बंदा रहता ना, उससे बात करो, उससे बात करके कम लोकल चार्जेस क्या है मालूम कर लो, वो हिसाब से जाओ। हम लोग उतरे बाद क्या है, लोकल चार्जेस बोले तो बैटरी का ऑटो है, उसका कॉस्ट आ गया 20 रुपये ईच पर्सन का है, तो वो हिसाब से हम लोग प्लान करें, वो हिसाब से गए, कम पैसे में हो गया हम लोगों को। तो आते स्टेशन से बाहर उतरते पूरे भिखारियाँ कैसे आते, और जो मैं क्या भीड़ कैसी रहती है, वैसा आते भैया ऑटो होना क्या, भैया रूम होना क्या, ये होना क्या, एक नहीं तो एक ऐसा परेशान कर देते, वो देख नहीं सकते। लोकल को क्या है आदत होगी, लोकल वालों को, हम लोग क्या है टूरिस्ट है ना, तो हम लोग वाट लगाते हैं उन लोगों का, कम पैसे में बकरा बनाने वाला, नॉर्मली रिक्शा वाला बकरा बनाया था मेरे को यार, एक क्या 500 मीटर भी नहीं था जाने का था, तो रिक्शा वाला कितने लिया, 80 रुपये लिया, 80 रुपये इधर से क्या यहाँ से दूसरे जगह जाना है, रोड क्रॉस करना है, यूटर्न ले लेके रोड क्रॉस करा के उनका 80 रुपये ले लिया, तो ऐसा है था। तो आगे वाला ठगने का ऐसे रेडी रहता दिल्ली में, तो अपन ठगा देना नहीं, जितना हो सका होता कवरिंग करो, सेव करो, बस कम बजट में लोकल वालों को पकड़ लो, पूछो उन लोग बताते चार्जेस क्या है क्या नहीं, ख़त्म, वो हिसाब से करो। और क्या है, मैप है हाथ में अपने, कितनी दूर है क्या नहीं देख लो, देख लेके ट्रैवल करो। आगे वाला ठगना बोले तो भी हाँ यहाँ का यहाँ कैसा लेता बोल के देखो, ऐसा है ये हजरत का निज़ामुद्दीन दरगाह के अंदर का, ये ऑटो में गए थे ना, ऑटो वाला 20 रुपये के हिसाब से ले लिया चारों को, डायरेक्ट हम लोग दरगाह को आ गए,
आके ये देख लिए, नमाज़ पढ़ लिए, पढ़ लेके हम लोग फिर निकल गए। निकल के कहाँ जाना था अपन को? एर्रागढ़ी है क्या बोलते हैं हम लोग, एर्रागड्डा बोल रहा हूँ, हैदराबाद का एर्रागड्डा, चोर बाजार, या दिल्ली का चोर बाजार को जाना था ना, तो उस हिसाब से सुबह में जाना है बोल के यहाँ पे आ गए। यहाँ पे ज़ारात कर लेके उसके निकल गए, दिल्ली का चोर बाजार को निकले। निकल के क्या करे, वहाँ पे तो और रहता ढंगने का रहता, वहाँ पे जॉकेट पॉकेट मारना भी ज़्यादा रहते। पुलिस वाले तो बोल रहे थे पॉकेट मारना ये है, देख समझ के करो जितना हो सकता उतना करे। और यहाँ पे शूज़ अच्छे हैं, ब्रांडेड शूज़ है और परफेक्ट है, अच्छे हैं, ज़बरदस्त है, फर्स्ट क्वालिटी में मिल जाते हैं शूज़। और अपन को जो जो भी होना है, कैमरे है, कैमरे मैं यूट्यूब पे देखता था, कैमरे ये है, फेक फेक वीडियोज रहते हैं, ऐसा समझता था। रियल में जाके देखे तो हाँ है, मगर डिपेंड अपने ऊपर रहता, लेना जब का भी ले लेना, ले अच्छा आया तो अच्छा है, नसीब अच्छी है तुम्हारी, नहीं अगर ख़राब है ये है तो किस्मत ख़राब है, तुम्हारे पैसे डूब जाते हैं, देख समझ के ले लेना चेक करके। और क्या जितना हो सका उतना नहीं लेना बेटर है। मैं क्या बोले तो अपन अपना हैदराबाद का एर्रागड्डा है ना, एर्रागड्डे में भी सेम है, यहाँ पे क्या है उससे थोड़ा 20% ज़्यादा है, मगर कॉस्ट आती है तो वहाँ को सेम मिलता। तो वहाँ से हैदराबाद हैदराबाद में लिए और यहाँ लिए, यहाँ पे शूज़ा ज़बरदस्त है। एर्रागड्डे में क्या इलेक्ट्रिक आइटम ये वो बहुत है, तो डिपेंड के हिसाब से आया। दिल्ली दिल्ली से होता, हैदराबाद हैदराबाद ही होता, देख समझ के करना अपन को जो लेना है या नहीं लेना है, देख समझ लो। अरे कहाँ है पांडू गायन? उसके बाद हम लोग जामा मस्जिद को चले गए, जामा मस्जिद में जाके वहाँ पे थोड़ा पी लिए और क्या नाश्ता वास्ता कर लेके, उसके बाद वो दिल्ली टूरिज्म है ना वो टिकट बुक कर लिए, 200 रुपये ईच पर्सन का था, वो बुक कर लेके बस में बैठ गए। सुबह में 11:30 को बैठे, शाम में 5 बजे तक फिर रिटर्न ला के छोड़ दिया अपन को, पूरा घुमा दिया। मैं हम लोग का बोले तो टाइम नहीं था हम लोगों के पास, वो हिसाब से हम लोग बस सेलेक्ट कर लेके पूरे आइटम दिखाता ना बोल के बैठ गए। मगर क्या है बोले तो बस में बैठे तो क्या है, खाली बस के अंदर रोड के हिसाब से फिर आ रहा है, दूर से दिखा दे रहा है ये है वो ये है, हाँ ये ऐसा है वो है, स्टोरी बोल रहा खत्म, गाइड गाइड रहता ना बता दे रहा, मगर रुका रहा नहीं, जितना हो सका टाइम जल्दी 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 घुमाते जा रहा बस। तो अगर आपको देखना है करना है ना, टाइम है आपके पास, एक दिन दो दिन है दिल्ली में रहना है, दो तीन दिन है बोले तो हर एक प्लेस का अलग अलग रहता, तो वही हिसाब से तुम टाइम निकाल लेके फिर वो रैपिडो कर लो बेटर रहता, नहीं तो मैप ऑन कर लो बसेस है, बस में कम चार्जेस है उसके हिसाब से बस में चले जाओ, ठीक है। एक प्लेस को गया ना, अगर हम लोग कुतुब मीनार को कहते हैं वहाँ पे जाके क्या टिकट लेने के वैसे हम लोगों को 2 घंटे हो गया, लंच के टाइम पे ले लेके गया, जाके बोला लंच का टाइम है कुतुब मीनार को जाओ जाके घूम लेके आओ, 5 बजे तक तुम्हारा छोड़ देते फिर यहाँ पे आ जाओ बोला, वहाँ पे गए तो टिकट आ नहीं मिले अपन को, टिकट के वैसे वेट करे तो क्या है, वेटिंग 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 बता रहा, पब्लिक बहुत थी, तो वही सब संडे का दिन था वो भी हम लोग देखे नहीं करे नहीं चले गए, तो खाली वो हो गया। चलो दिल्ली में 200 रुपये ले लिए टिकटा, टिकट पूरा घुमा दिया उन, चलो वैसे कवर कर लिए, जो जो आ सकता वो कवर कर लिए, कर लेके निकले। और और वो हमारा पुष्पा का सॉन्ग है ना ये देखो ये हमारे छोटे हमारे नौजवान मला का सारी हो, हाँ तो ये भी करे ट्राई करे, चलो करना बोल के था राइट श्री वल्ली बोल के वो ट्राई करे चला था बस खत्म, मतलब घूम लिया। उसके बाद फिर इवनिंग का अपन को ट्रेन था, तो वही हिसाब से जितना जो भी शॉपिंग करना था वो करना था, देख लिए कर लिए, मेट्रो मेट्रो गए दिल्ली की, मेट्रो देखे अच्छा दिखा वहाँ पे, और क्या है रैपिडो भी है वहाँ पे, जितना हो सका कम पैसा में कर लिए, कम कर लेके उसके बाद फिर ट्रेन में बैठ गए। और जर्नी जितना हो सका ना मॉर्निंग का जर्नी इन्जॉय करने कैसे करो, फिर इवनिंग क्या करो बोले तो पैसे सेव करना है बोले तो इवनिंग क्या करो, होटल में रहो नको, डायरेक्ट ट्रेन बुक कर लो या बस बुक कर लो, ट्रेन में जर्नी हो जाती, थकावट नहीं रहता, होटल के चार्जेस डायरेक्ट ट्रेन के टिकट में उसमें आ जाती है, तो वो सेव हो जाता वो प्लस पॉइंट रहता, ठीक है। फिर उसके बाद मॉर्निंग मॉर्निंग तो वहाँ जो जहाँ पे जाना है वहाँ पे पहुँच जा सकते, तो वही हिसाब से तुम्हारे को पैसे बचते, फिर तुम्हारे को टाइम भी बच जाता। दूसरे दिन तुम अजमेर में रहते, तब मैं हम लोग अभी सीट करे, दूसरे दिन अजमेर में थे, फजर के टाइम भगवान अजमेर में आए, अजमेर में ऑटो कर लिए, ऑटो कर लेके फिर क्या करे रैपिड जा रहे रैपिडो बुक करके फिर क्या आया थोड़ा, हाँ तो अजमेर में हम लोग आ गए फजर में,
जाके ऑटो वाले वही 30 रुपये दिया ले लेके ले लिया। बस क्या करें, इधर चले गए गेस्ट हाउस कर लिए 350 रुपये में, चार जने का बुक कर लिए, बैग का सामान रख लिए, फ्रेश हो गए, पानी गर्म पानी देता हूँ अजमेर में गेस्ट हाउस वाला, पूरे जने गर्म पानी नहा लिए, नहा लेके उसके बाद जारात क्या कर रहे हैं दरगाह को चले गए, चले आके फिर उसके बाद पुष्कर न्यू दिल्ली टू अजमेर कैसा जाना है देखेंगे अब। ट्रेन टाइमिंग स्टार्ट टाइमिंग आके 3:50 को होती शाम में इवनिंग, आश्रम एक्सप्रेस है 12916 और इन टाइमिंग आके रात में 10:30 को पहुंच जाते हैं। टोटल आके 6:40 रहता और डेली की ट्रेन है और स्लीपर कॉस्ट आके 270 रुपये रहता, थ्री टायर आके 385 रुपीस रहता। ये आके आश्रम एक्सप्रेस है, ये डेली है। और एक ट्रेन है, ट्रेन टाइमिंग आके स्टार्ट होती 10:55 को योगा एक्सप्रेस है, 19032 है इसका नंबर, और ख़त्म होती 6:00 पहुँचते अपन वहाँ 6:10 को सुबह में। टोटल 7 घंटे की टाइमिंग रहती और डेली है। स्लीपर कॉस्ट आके 240 रुपये है, थ्री टायर आके 640 रुपये है। और मैं डेली बोल के लिख रहा हूँ DALY, मैं होना बोल के ऐसा लिखा, ठीक है, स्पेलिंग का मसला है वो, ये ऐसा पॉइंट नको करो, ठीक है, फर्स्ट है, मैं खुद से लिखा ऐसा। और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और अगर मेरे उसमें क्या इसमें कुछ भी गलतियाँ हैं तो भी बताओ, ठीक है, मगर सपोर्ट करो मेरे को और शेयर करो, जिस जिसको कम बजट में जाना है और लोगों को भी अगर काम आता ना, क्या थोड़े जन ने क्या जाना बोले तो बहुत महंगा रहता होगा, ज़्यादा होता होगा, सोचते जाते नहीं बोले तो, अजमेर बोले तो बहुत दूर है ना, पैसे ज़्यादा होना ऐसा सोचते ना, उन लोगों के वैसे बेस्ट है ये, बेस्ट और बहुत बेस्ट है कम बजट में। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हाँ चैनल। हम स्टेशन से ऑटो करे तो एज पर्सन का 30 रुपीज़ के हिसाब से लिया कॉस्ट है, ठीक है। उसके बाद दरगाह को आके गेस्ट हाउस लिए, गेस्ट हाउस का 350 रुपये चार जनों का ले लिया वो कॉस्ट, ठीक है। और दरगाह के अंदर के बाद क्या है, अपने चप्पल वप्पल बाहर छोड़ दिए, बाद अपने पॉकेट का वॉलेट का पैसों का हिफाजत अपनी सेफ्टी करना, क्योंकि बोले तो मंगने आते इस वाले क्या, एक जना मंगने आते रहता, सताते रहता ऑटो, और एक पीछे से एक जने आके हमारे जेबों में से काट लेते पैसे वैसे, पॉकेट मार लेते। मेरे साथ हुआ, मेरी पॉकेट चले गई, इसके अंदर पैसे थे, पैसे चले गए, डाटा जो जो भी डॉक्यूमेंट्स है सब चले गए मेरे, मेरे साथ ऐसा हुआ। ठीक बोले तो आदमी वहाँ पे दरगाह को गए बाद अपने आप में नहीं रहता, उधर का हो जाता, तो वही हिसाब से अपने वॉलेट पॉकेट ATM जो भी है ना वो रूम में रख के आओ, बेटर रहता, रूम में रख के खाली आओ, एक 20-30 रुपया 100 रुपये ऐसा ला लो, जो भी अपन को ख़रीदना है ख़रीद लेके, दरगाह पे चढ़ाना है ना चढ़ा देंगे, उसके बाद चले जाओ, बाद में तुम शॉपिंग का सोच रहे तो वो इवनिंग आके कर लो। आप क्या है बोले तो हम लोगों को फ़ोन अलाउ नहीं करना बोले थे, तो हम लोग क्या करे, फ़ोन रख लिए थे, फ़ोन बोलो सॉरी कैमरे वैमरे रख लिए थे, और जाते वक्त हम लोग फ़ोन कैमरा नहीं लेना ऐसा, वीडियो नहीं निकालना ऐसे बात कर रहे थे, तो हम लोग क्या करे कैमरे अंदर रख लिए, तो फ़ोन से जितना हो सका फ़ोन से निकाले तो क्या ऐसा आ रही वीडियोज़, ठीक है, आड़े में ले लिया हम लोग, खड़े में लिया, तो ये प्रॉब्लम आ रहा है, उन टोपी लगा लो, ये करो, ऐसा ऐसा बोल रहा था, लगाना बनना, ठीक है, बोल के हम लोग चलो मसला नहीं होगा, टोपी लगा लिया कर दिया। उसके बाद गए, एंट्री है ये स्टार्टिंग में, गए देख लिए अंदर, गए इधर राइट साइड में अपन को क्या क्या बोलते हैं मस्जिद है, राइट साइड में मस्जिद है, हाँ जी दरवाजा है, वो जन्नत का दरवाजा, ये जन्नत का दरवाजा, Thank you.
అమ్మది ఫోన్ ఇక్కడ కూర్చున్న దగ్గరనే దొంగతనం చేసుకున్నారు అర్థం చేసుకున్నారు पुष्कर को आगे पुष्कर के बाद का ये है ये जिसको जाना है एक एक का कॉस्ट 7,000 बोलते हैं ऐसा बोलते हैं स्टूडेंट्स 4,000 इतना कम करा सकते हो कम करो कम करा के जाओ मगर जबरदस्त ठीक है बजट के हिसाब से प्लान करो ये वाला फोन क्या डाला है तुमको माफ करना गलती बैग में हां हाल अच्छा है कपड़े अपने बैग से फोटो करा दी ये वाला तो गाड़ी ऐसा बना था क्या रेती में पूरा उछलते रहते हैं गर्दन हां यार कपड़े मिल रहे हैं थोड़ी मिल जाती तो ऐसा रहता मसला ले लेंगे रे इसके करो इसका कॉस्ट आ गया 3,000 ये लोग या कपड़े 4,000 ये कपड़े मिलते हैं तो हम लोग को आइडिया नहीं था हम लोग दे दिए चलो एंजॉय करेंगे मुझे कहा ऐसा फील हुआ अब ये क्या है ये अपने ऊपर है अपन को बैठना है नहीं बैठना है तुम्हारी मर्जी चल धन्नो चल धन्नो भाग भाई को पकड़ लो ले शेर का फोन ले रहा भाई को पकड़ लो अरे पकड़ ले रहा तेरे पास बादशाह
ये जो हजरत है ना और अजमेर टू हैदराबाद, ठीक है ट्रेन देखो अब। ट्रेन टाइमिंग स्टार्ट टाइम आके 5:25 PM Express 127/19 है। इन टाइम आके 0:45 AM यानी कि रात में 1:15 को आती। और टोटल आवर 31 hours 20 minutes है। और ये चारशंबा और जुम्मे के दिन रहती है, वेडनेसडे फ्राइडे। स्लीपर कॉस्ट 645 rupees और 3 tire का कॉस्ट आके 1680 rupees है। टोटल अपना टोटल बजट ट्रैवल हो गया 2610 rupees हुआ टोटल।